बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुश आमदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बनाने बताऊंगा पफ बाजू किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह इसकी कटिंग होती है, इसकी सिलाई भी मुकम्मल बताऊंगा तफसील के साथ, इसको फिर बाजू लगाने का तरीका भी साथ साथ बताऊँगा। वीडियो में रहिएगा मुकम्मल साथ। ये बाजू की कटिंग के लिए हमने डबल कपड़ा हमने बिछा लिया। ये देखे ये कपड़ा इस हिसाब से बचा है कि हमने उतना ही पफ बाजू बनाना है जितना हो सकेगा। 21 बाजू तैयार चाहिए तो हमने पहले निशान लगाने हैं बाजू के, जितना बाजू हमारा होगा उसी हिसाब से। या ये 3.5 इंच का निशान लगाया, पहले ऊपर निशान लगाया, फिर 3.5 इंच का, और फिर हमने 21 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो नीचे दबा होता है, ये तकरीबन 22.5 का निशान हमने लगा लिया है। और आर्म होल के लिए सीधा निशान जोंस है वो 8 इंच का हमने लगाया है, और मोरी जोंस है वो 5 इंच रखनी है हमने। ये स्केयर की मदद से हमने निशान लगा लेने सीधे, ये 3.5 इंच का जो लगाया था, और ऊपर से भी जहाँ से हमने बाजू का पहला निशान लगाया है यहाँ से हमने गुलाई करनी है। जैसे बाजू की कटिंग हम अक्सर करते हैं वैसे ही आम कमीज़ की, वैसे ही हमने ये निशान लगाया है। और ये जो 5 इंच का मोरी का निशान लगाया था उसको आर्म होल का जोन सा निशान लगाया उसके साथ मिला लेना है। ये आम जैसे बाजू कटिंग करते हैं वैसे ही हमने निशान लगा लिया है। और ऊपर पफ बाजू जो बनाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा 8, 10 इंच, 12 इंच, 20 एक्स्ट्रा भी हो तो ज़्यादा पफ बनाना हो तो वो उस तरह भी बन सकता है। तो ये हमने निशान लगाया है जितना हमारे पास कपड़ा है, तो हमने 6.5 इंच ऊपर निशान लगाया जो बाजू की तैयारी का पहले लगाया था वहाँ पे। ये देखे इस तरह हमने गुलाई करते हुए ये निशान लगाना, ये आप देख लें क्लोज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह हमने लगाया है, इसकी हमने कटिंग अप कर लेनी है ये नीचे से जितनी एक्स्ट्रा है, और बाकी हमने 1.5 इंच दबा रखते हुए हमने कटिंग कर ली है मोरी से भी, और बाकी सेम जो निशान ऊपर से निशान लगा हुआ है वो सेम कटिंग करना है। ये इस तरह ये देख लें, दरमियान में ऊपर को भी तरफ टुक लगा लेंगे। ये हमारा आर्म होल तकरीबन 9 इंच बनता है क्रॉस में ये, और यहाँ पे हमने टुक लगाना है जहाँ से हम ऊपर की तरफ किए हैं। ये यहाँ से हमारा आगे प्लेट्स डलेंगे, वो किस तरह डलेंगे वो भी बताएंगे। इसको नापेंगे कितना फासला है, ये 5 इंच का फासला है, और ये सारे ये 11 इंच का आगे फासला बच रहा है तो उसको हमने इसी में भी प्लेट डालने हैं। ये इसको हमने यहाँ से जब प्लेट डालेंगे ये सुई के साथ हमने जितनी देर में बैठाना है हम मशीन पे ही जाएंगे और वहाँ पे ही हम आपको बताएंगे फटाफट कैसे प्लेट डालते हैं और जल्दी से ही इसकी प्लेट डल जाएंगे। ये देखिए एक बाजू पे हमने लगा ली है प्लेट, किस तरह लगाए हैं वो भी बताएंगे। ये पफ बाजू देखे किस तरह तैयार हुआ है, ये हमने नीचे बाजू भी तैयार कर लिया, लेस भी लगा ली है, पट्टी भी लगाई है येलो कलर की, और ये हम दूसरे बाजू पे हमने आपको दिखाना है ये टुक जो लगा हुआ है जो हमने लगाया था यहाँ पे, ये कुछ फासले में तकरीबन दरमियान में आ रहा है आर्म होल के। यहाँ पे हमने अब आसान तरीके से प्लेट बताना है और सीधा सीधा ऊपर जो टुक लगाया वहाँ से हमने शुरू करना है। 1 इंच टोटल फोल्ड होगा तो वो 1/2 इंच का प्लेट डलेगा अंदर की तरफ। ये देखें ये टुक जो लगा हुआ है ऊपर उसकी तरफ ही प्लेट डालना है। यहाँ पे हमने साथ ही सिलाई लगानी शुरू कर दी है, पहले एक तरफ के डाल लेंगे ऊपर की तरफ से डालने और नीचे की तरफ, और ये सिर्फ 1 इंच फोल्ड होगा कपड़ा और 1/2 इंच प्लेट शो होगा। इतने कपड़े में इसी तरह ही बनेगा। ये 3 प्लेट तो हमारे डल गए हैं, ये चौथा प्लेट भी डालेंगे मेरे ख्याल में तकरीबन 5 को प्लेट डलेंगे। ये देखें अब हम इसको नाप लेंगे, ऊपर टुक जो लगाया था दरमियान में, और यहाँ से 6 इंच है तो हमने 5 इंच चाहिए तो यहाँ पे एक और टुक डालेंगे तकरीबन 1/2 इंच का जो 1 इंच फोल्ड हुआ है, और ये एक तरफ के प्लेट डल गए हैं आप देख सकते हैं।
ये आप देख रहे हैं, कोई सुई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसको बस बैठते ही हमने प्लेट डालने शुरू कर दिए। अब दूसरी तरफ भी उसी तरह ही डालेंगे। एक तरफ के डाल गए हैं, वो भी ऊपर से ही नीचे की तरफ आए हैं और ये भी प्लेट जोन से ये भी ऊपर की तरफ से ही नीचे की तरफ प्लेट आ रहे हैं। एक मरतबा ये मशीन के यानी कि सुई के बाहर की तरफ से हमने डाले, अब ये अंदर की तरफ से डाल रहा हूँ उसी तरह जैसे उस तरफ डाले हैं। ये एक इंच कपड़ा फोल्ड होता है जो आधी इंच प्लेट शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये टुक फिर आ गया, इसको फिर नापेंगे। ये फिर देखें, ये तकरीबन ये देखें ये 6 इंच ही है, ये उसी तरह ही है, बिल्कुल एक जैसे दोनों तरफ प्लेट डले है। और फिर पफ बाजू फिर अच्छा बन जाएगा, ये कम कपड़े में भी, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा पफ बाजू तकरीबन ये देखें तैयार हो गया। ये अब इसको लगाने का भी तरीका हम बने बताना है, वीडियो में रहिएगा साथ। ये देखिए पफ बाजू कितनी आसानी से हमने जल्दी से बैठा लिया है, जो मिनटों में तैयार हो गया, आसान तरीके से तैयार हुआ है। ये देखें अब इसको हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है 5 इंच छोड़ के। ये 5 इंच की मोड़ी है ना, ये 5 इंच के हमने जो सा इंची टेप से नाप के साइड की सिलाई लगा लेनी है। ये टोका हमने लगाए होते हैं तो निशान भी लगाए होते हैं, लगानी भी आसान होती है। ये हमारा लग गया। और ये जो बाजू के अक्सर ना नोके नज़र आती हैं अंदर की तरफ, इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये इसको हल्का सा फोल्ड लाजमी, मैं हर कमीज़ को करता हूँ। अब बाजू को हमने लगाना है, ये देखें यहाँ से हमने फोल्ड करेंगे और साइड की सिलाई से हमने बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको लगा लेना है। ये अब इसको देखिएगा किस तरह मैं बाजू लगाऊंगा, कोई प्लेट को इधर यानी कि एहतियात से लगाना है, प्लेट बैठा के लगाना है। अगर प्लेट थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो वो फिर खोलना पड़ जाता है। ये देखें इसको बैठा के ही लगाते जाना है, आप देखते जाइएगा। ये देखें ये प्लेटों को बैठाना है और फिर ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ये आधी इंच का ही हमने दबा रखा होता है और इसको लगाना शुरू कर देना है। नीचे प्लेट जो इधर उधर होंगे तो उनको नहीं होने देना, उनको एक जैसा बिठाना है और बाजू को भी नाप लेना है पहले। ये बिल्कुल दरमियान में टोकाना चाहिए। ये देखें थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो जो ना चाना बाजू बैठेगा नहीं सही, पफ बाजू बिल्कुल दरमियान में नहीं आएगा ऊपर शोल्डर की तरफ। और इसी तरह हम दूसरी तरफ मुकम्मल करते हुए बाजू को, ये नीचे से भी बैठा यानी कि एक फिंगर का इस्तेमाल नीचे से भी मैं कर रहा हूँ और ये बाजू को मैं मुकम्मल करते हुए जो बॉडी के साथ बाजू लग रहा है, ये देखें बिल्कुल जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम आगे हैं। और ये बाजू भी हमारा बिल्कुल मुकम्मल होते हुए, ये बाजू हो गया हमारा मुकम्मल। इसको सीधा करते हैं और दिखाते हैं। ये देखें ये पफ बाजू कैसे बना है और कितना आसान तरीके से। ये देखें पफ बाजू मैंने तैयार किए हैं आपके सामने। ये देखें कितनी आसानी से मैंने बताया है किस तरह इसकी कटिंग की है और सिलाई की है। ये पफ बाजू बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।